आपको ये भी बता दें कि सुशांत के पिता के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी के वकील विकास सिंह जी हमारे साथ हैं। इधर ड्रग्स का मामला सामने आया और इधर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, तो क्या टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हैं और जो उन्होंने उसमें मसले उठाए हैं उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जब ये स्पष्ट हो गया तो कल से या परसों से शाम से ही कि सुशांत की मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह की बातें व्हाट्सएप पे आई हैं कि कुछ ड्रॉप्स दे दो पानी में, कॉफ़ी में, और 30-40 मिनट के बाद असर करेगा मतलब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जब ये जैसे सामने आई बात की बस ये इन्होंने इंटरव्यू देने को तैयार हो गई, और इंटरव्यू में क्या कह रही है, उनकी एक मानसिक स्थिति की बात कर रही है। मेरे को लगता है इस इंटरव्यू लेकर के और अपना केस खराब करेंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति अगर इतनी ज़बरदस्त खराब हुई थी उनकी, तो उनका क्या हक बनता था कि वो ट्रीटमेंट कराए, और उनका हक नहीं बनता था कि वो परिवार को बताएं कि इनकी मानसिक स्थिति यह खराब हो गई, अगर किस डॉक्टर के पास ले जा रही थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, परिवार को एसोसिएट नहीं करना चाहिए था उनको। पिता ने SMS डाला कि मेरे को बताओ क्या हो रहा है सुशांत के साथ, उसका जवाब तक नहीं दिया। तो 8 जून को छोड़ के भी चली गई। अगर जिस आदमी की मानसिक स्थिति आपके हिसाब से इतनी बुरी है, तो उस आदमी को आप ऐसे छोड़ करके चले जाएंगे? उस आदमी के साथ आपको जाने के पहले क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को आप बुला करके आप उनको सपोर्ट करें कि भाई देखिए ये इनकी हालत ख़राब है, ये दवाई इनकी चलती है, ये इनको इस तरह से ट्रीटमेंट रखना, ये एहतियात बरतना इनके साथ। आप सिर्फ राजा का परक्विजिट्स लेने के लिए सिर्फ हैं, रानी का अपना वो नहीं निभाना चाहती। कह रही ही लिव्ड किंग साइज। किंग साइज का मतलब ठीक है, आप इंजॉय कर सकती हैं किंग साइज का लाइफ, लेकिन आप अपना एक जो एक क्वीन जो होती करती है, जो राजा का जब प्रॉब्लम होता है तो क्वीन ही तो संभालती है ना उसको, तो वो बनने को आप तैयार नहीं है। आप सिर्फ यू आर ओनली वांटिंग टू टेक एडवांटेज, उसका सिर्फ आप एक तरफा अपना उसका एडवांटेज लेने के लिए सिर्फ तैयार है। और जब उसको आपके हिसाब से मानसिक स्थिति इतनी बदतर थी तो छोड़ के चले गई बिना किसी परिवार वाले को सपोर्ट किए, बिना किसी को मेडिकल फाइल दिए, बिना किसी को बताए कि ये उनके साथ प्रॉब्लम है।